नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल धर्मन गुरु जी पे। आज हम बात करेंगे प्रेस्टीज मार्केटिंग के बारे में और उसका क्या कनेक्शन है आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ, और देश की इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूट कैसे कर रही है, और आपका जो बिजनेस है या आपकी जो इनकम है वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं अगर आप इंडिजीनियस प्रोडक्ट या फिर स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि वेस्टीज या फिर मिड इंडिया जो आज के टाइम पे चल रहा है इसका क्या रेलेवेंस है भारत की इकोनॉमी के लिए। तो अभी आप देखो दुनिया भर में ग्लोबलाइजेशन के चल रहा है, मतलब कि दुनिया के हर एक देश के प्रोडक्ट्स हर एक देश में बिक रहे हैं, उनको मार्केट का एक्सेस मिलता है, और अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आप दुनिया भर में बेच सकते हैं। तो अब ये कॉम्पिटिटिवनेस का युग है। अब यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब से पूरी दुनिया के हर एक लोग को तो नौकरी दे नहीं सकते, या भारत को भी आप देखो तो 135 करोड़ की आबादी है, अब हर किसी को जॉब दे नहीं सकते। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है कि आप जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, लोकल जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको प्रमोट करिए, और अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, उनमें प्रमोशन अच्छा होगा, तो लोगों को जॉब मिलेगी, और अगर जॉब मिलेगी तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो घटेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारी इकॉनमी स्ट्रेंथन करेगी। तो इसी टाइप की एक कंपनी है वेस्टीज मार्केटिंग, जो इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है कि भारत के जो लोग हैं उनके जो लोकल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए ये कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, उनको सेल करती है, और उनका जो प्रॉफिट होता है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक तरह से एक वेलनेस भी है, साथ ही साथ इनकी इनकम भी हो रही है। तो आप देखो कि बेसिकली प्रमोशन का बिजनेस है। क्वालिटी गुड्स जो हमारे देश में बन रही है उसकी कंपेटिबिलिटी बढ़ा के पूरी दुनिया भर के मार्केट में उतारा जाए, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हो जाएगी, जिससे हमारा देश और मजबूत होता जाएगा। अब हम बात करेंगे कि वेस्टीज की इंडिविजुअली क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग होता है, मतलब कि एक मान लो आप कोई सामान लेने किसी दुकान पर जाते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको सामान बेचता है या सेलर आपको सामान बेचता है, तो बहुत सारे चेन से होकर वो सामान आता है, मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूसर से लेके बहुत सारे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े सारे डिस्ट्रीब्यूटर, और वो एक तरीके से रिटेलर, ये बड़ी चेन होती है। उसमें जो आपके प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ उसकी क्वालिटी में भी इफेक्ट हो सकता है क्योंकि एडल्ट्रेशन की चांसेस बहुत रहते हैं। पर जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है उसमें जो मैन्युफैक्चरर है या फिर कंपनी जो प्रोड्यूस करती है सामान, वो अपने कस्टमर जो है या फिर जो यूज़र है उसको डायरेक्ट अपने सामान बेचती है। इसमें मार्जिन भी कम आता है और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी कम होती है। अब हम बात करेंगे वेस्टीज की इंडिविजुअली बारे में। तो ये जो दुनिया भर की 30 कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग की इस टाइम पे, उसमें ये लिस्टेड हुई है, रिसेंट 2020 का डाटा है, और क्योंकि इसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है दुनिया में बढ़ रही है। इसके अगर प्रोडक्ट्स की बात करोगे तो दुनिया में आप जो भी प्रोडक्ट्स पर्सनली यूज करते हो, चाहे आप हेल्थ केयर के हो, आप पर्सनल केयर के कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ई कॉमर्स अगर आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं इस टाइप के कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, एग्री केयर खेती बाड़ी से जुड़े सारे काम, और इस टाइप पे आप देखो तो दुनिया में आप जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स है पर्सनल रिक्वायरमेंट उसकी पूर्ति के लिए वेस्टीज मार्केटिंग आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराता है। इसके मालिक जो है या फिर आप एमडी जिसको बोलते हैं वो गौतम बालीजी हैं। इसका हेड ऑफिस इस टाइम पे दिल्ली में ओखला में है। तो हम बेसिक के बाद बात करेंगे कि प्रोडक्ट्स इसके किस टाइप के हैं। तो आप देखो एग्जांपल के तौर पे ये एडिबल ऑयल है, या खाने में जो आप तेल घर पे यूज़ करते हैं उसके प्रोडक्ट में है, और ये चाय के प्रोडक्ट्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो फूड सप्लीमेंट्स हैं। कुछ बहुत सारी बीमारियों में आपको जैसे आप मेडिसिन लेने जाते हैं डॉक्टर के यहाँ से, तो मेडिसिन आपकी बीमारी इनिशियली ठीक कर देता है पर वो हमेशा के लिए सही नहीं होता है, और आपको मेडिसिन कंटिन्यूसली लेनी पड़ती है, और बीमारी अगर दोबारा उभरती है तो आपको फिर डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। पर अगर आप किसी बीमारी का फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे कि आप आयुर्वेदिक दवा लेते हैं या फिर होम्योपैथिक लेते हैं, तो बीमारी की जड़ पे वार करता है, या बीमारी किसी कोशिका से निकल रही है तो उस कोशिका पे वार करता है। तो इसी टाइप के इसके प्रोडक्ट्स हैं जो एक तरह से फूड सप्लीमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं और हेल्थ केयर को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कोई भी अगर बीमारी आपके शरीर में हो रही है तो उसके जो रूट है या फिर सेल है उस पर ये अटैक करेगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा और उस बीमारी को इरेडिकेट करेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, 15 दिन 1 महीने, पर ये कम्प्लीटली आपको रिलीफ दे सकता है। तो ये जो बेस है इसका वेलनेस का या फिर हेल्थ केयर का, ये बहुत बढ़िया है, जिससे आप अपने देश के लोगों की जान भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ उनको सुदृढ़ या मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस क्या है इसका। अभी तो आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, अब इनसे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस जो आपको हेल्दी लाइफ दे रहा हो, जो आपको सिक्योरिटी दे रहा हो जीवन की, आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी हो रही हो, आप 50-60 साल में आराम से मरने वाले नहीं हैं,
अगर आपने प्रोडक्ट्स यूज करे हैं तो आप लंबा एक स्पैन जिएंगे 80-90 साल का। साथ ही साथ आप सोशली एक वेल होंगे, वेल कनेक्टेड होंगे, संपन्नता आपके अंदर होगी, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आपको पैसा अपने हिसाब से नहीं कि किसी के हिसाब से मिल रहा हो, आप अपने हिसाब से पैसा कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो तो आपको 20,000, 30,000 या फिर 1 लाख मिल रहा हो, आप उसी में अपना काम करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना मेहनत करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा यहाँ पे। अब दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। अब जैसे देखो, अब कोई आप जॉब कर रहे हो चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, आपको 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो 8 बजे तक वहाँ पहुँचना ही पहुँचना, अदरवाइज वो आपका हाफ डे लगा देगा या फिर आपका फुल डे कट भी हो सकता है। पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जो बिजनेस होते हैं, बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आप टाइमली फ्लेक्सिबल है अपने काम के प्रति, आप जब चाहे तो आप काम करेंगे, जब चाहे तो आप काम नहीं करेंगे, एक तरह से आप ओनर हैं, मालिक हैं उस चीज़ के। तो मालिक बनना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि दुनिया भर के आप देशों देखो, अभी अमेरिका को देखो तो उसमें ज़्यादातर कंपनीज हैं वो प्राइवेट ओन्ड हैं, प्राइवेटाइजेशन वहाँ बहुत इम्पावर्ड है, क्योंकि वहाँ पर लोग मालिक बनना चाहते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, BPO है या फिर बैकएंड संभालते हैं लोग या जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, उनको नौकरी चाहिए, उनको मालिक बनने का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इस हिसाब से भी ये कंपनी आपको बहुत बूस्ट दे सकती है। अब अगला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि अगर आप कोई भी इंसान हैं तो पहली बात यह है कि आपको ये इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किसी से बातचीत कैसे करें, बातचीत करने का तरीका आपका कैसा हो, और लोग आपको देख के आपसे आकर्षित हों, आपसे वो कुछ ज्ञान लेना चाहें या आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें। तो ये जो पर्सनालिटी का विकास है वो आपको वेस्टर्न एजुकेशन में मिलेगा, और एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको जो आपको लोगों से कनेक्ट करेगा। अब आगे हम बात करेंगे कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो आप देखो कि एक ऐसा बिजनेस जो कभी जीरो नहीं होता, मतलब अगर आपने एक बार ही काम कर दिया तो वो हमेशा से ही काउंट करा जाएगा कि आपने काम करा है। आपका कोई मतलब इसमें ये नहीं है कि आप BA पास हैं, 12वीं पास है या कोई भी डिग्री है आपके पास। अगर आपने सीखने की हिम्मत करी है और आपने सीखने का जज्बा है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, और साथ ही साथ लोगों को आप जोड़ सकते हैं। जोड़ने का मतलब ये नहीं कि उनको एक तरह से नौकर बनाओ, उनको मालिक बनने की ट्रेनिंग देना, ये बड़ा उद्देश्य है इस बिजनेस का। साथ ही साथ इसका कम्युलेटिव इफेक्ट है या फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है। अब जैसे 1 महीने आपने ये करा तो आपको इतने पैसे मिले, साथ ही साथ अगले महीने जब आप करोगे तो ये भी आपको ऐड होता जाएगा उसमें, एक तरह से जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि ब्याज पर ब्याज, इस तरह से इस पर भी इनकम पर इनकम आपको मिलती जाएगी, आमदनी पर आमदनी। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे घूमने वगैरह के मौके मिलेंगे, जैसे कि ट्रिप वगैरह होती हैं बहुत सारे देशों की, तो इस तरह से आप जो अपने अंदर का एक्सप्लोरेशन वाला एंगल है, कोई भी आदमी हो तो घूमना चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है या एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो मौके आपको ये कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप इस पे कनेक्ट कनेक्ट करते हैं या प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं या लार्ज स्केल पर इसके प्रमोशन करते हैं, आप बिजनेस प्लान्स को आप समझ सकते हैं कंपनी की वेबसाइट में जाके, या अदरवाइज आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बिजनेस प्लान समझा सकता हूँ, और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इनकम कैसी होती है। तो बेसिकली अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, मार्केट में जाओगे किसी दुकानदार से, तो आपने मान लो 100 रुपया दिया किसी को, और कोई एडिबल ऑयल है, कोई तेल है, आपने तेल खरीद लिया और घर लेके आ गए, पर आपको मिला कुछ नहीं, आपने उसको पैसे दे दिए। पर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपने यहाँ अपना 2 लीटर का या 3 लीटर का जो भी अपना प्रोडक्ट है आपने पैसे दिए, तो इंस्टेंट आपको MRP पे डिस्काउंट मिलेगा। दुकान पे आप जाओगे तो MRP पे डिस्काउंट कोई नहीं देता है, पर यहाँ पे आपको MRP पे डिस्काउंट मिलेगा, पहली बात, 10 से 15%। दूसरी बात, आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उसको यूज़ करा, प्लस आपने जैसे उसको यूज़ करा तो उसका जो परफॉर्मेंस है, मतलब कि आपने 1,000 रुपये 2,000 का जो प्रोडक्ट खरीदा उसका एक तरह से आपका जो मार्जिन है वो आपको खाते में आपके आएगा या अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कराया जाएगा, तो एक तरह से परफॉर्मेंस बोनस हो गया आपका। अब इसके अलावा अगर आप कंपनी की जो डिटेल्स हैं इसको समझते जाएंगे तो 7 प्रकार की इसमें इनकम्स हैं, जैसे कि डायरेक्टर बोनस है, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस है, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सब आपको तब मिलेगा जब आप अपने प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पर प्रमोट करोगे, अपने दोस्तों को जोड़ोगे इससे, जोड़ोगे इन द सेंस उनको यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करोगे कि भाई साहब आप सामान तो खरीद तो रहे हैं दुकान से, तो आपको दुकान ही चेंज करना है, तो आपको इतने पैसे का फ़ायदा हो रहा है। अगर आप 100 रुपये का सामान ले रहे हो तो कम से कम 50 से 60 रुपये आपके बच रहे हैं इससे, और आप महीने के हिसाब से देखो तो महीने के अगर आप 3-4 हज़ार बचा रहे हो किसी काम से, तो वो काम क्यों नहीं करना चाहोगे, मतलब कि वो काम आपके लिए बढ़िया है, तो ये काम तो आप कर ही सकते हैं। कम से कम अपनी दुकान चेंज करो, आप कहीं भी किसी दुकान ग्रॉसरी स्टोर से लेके आ रहे हो, उसके बजाय आप यहाँ से लेके आओ। अब सारे ऑनलाइन सब बड़े बड़े सिटीज़ में, दिल्ली में, बेंगलोर में या लखनऊ में या किसी भी सिटी में, इसके ऑनलाइन रिटेल सेंटर्स में बेस्ट डील के नाम पे,
तो आप ऑनलाइन सुपरमार्केट टाइप का है वहाँ से सामान लेके आ जाओ तो आपको डिस्काउंट भी बहुत सारे मिलेंगे। चाहे आप सोप यूज करते हो, चाहे आप टूथपेस्ट यूज करते हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। तो अपनी जो एसेंशियल्स है डेली रूटीन्स की, वो सारी यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, साथ ही साथ आप पैसे कमा सकते हो। एक तरह से पार्ट टाइम बिजनेस भी आपका है ये। अब हम बात करेंगे कि कैसे स्टार्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा लगता है नहीं, कोई भी पैसा आपको कोई किसी को देना नहीं है कि आपसे कोई अकाउंट से ले लेगा पैसा या धोखाधड़ी टाइप का, ऐसा कुछ है नहीं। आप सामान खरीदो, पैसे दो उनको, वो आपको सामान देंगे, साथ ही साथ आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको 10,000 15,000 देना है, लेग लगाना है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप पैसे दो अपने और आपको पैसे का जो वर्थ है उसके आपको सामान मिलेगा। आप सामान को यूज करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्रमोट करो। सबसे पहले आप यूज करना सीखो। और प्रोसीजर यही है कि 600 का आपने सामान ले रखा है यहाँ पे, 600 का। तो आप कोई भी सामान, जैसे सब्जी में आप तेल डालते हैं खाने का, टूथपेस्ट यूज करते हैं आप, सोप यूज करते हैं, कोई सा भी साबुन यूज करते हैं, या फिर आप परफ्यूम यूज करते हैं, तो इतने का तो आराम से कोई भी आदमी यूज कर ही लेता है पर्सनल केयर में। और भी बहुत सारे हैं, किसी को मान लो फूड सप्लीमेंट के तौर पे आप कोई कैल्शियम ले रहा है, अलग से टेबलेट्स लेता है, बहुत लोग लेते हैं। और फूड सप्लीमेंट में आप देखो तो कोई प्रोटीन पाउडर लेता है बाहर से, वे प्रोटीन आता है 1,000 2,000 3,000 का, वो आप उस टाइप का प्रोडक्ट भी आपसे यहाँ से आप खरीद सकते हो। और सिंपल ज्वाइनिंग है, कोई बड़ी प्रोसीजर नहीं है, ऑनलाइन भी होता है। आपने अगर अपना जो डॉक्यूमेंट्स है सेल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह, वो ऑनलाइन आप सबमिट करो तो ये ऑनलाइन इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हो। डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्लस अब देखो, दुकान से आप कोई सामान लेके आ गए, तो मान लो आपने कोई लिया, कोई सोप लेके आए, तो उसकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो आप जल्दी देखते नहीं हो, पर यहाँ पे ये गारंटीड होता है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है कोई भी उसमें डिफेक्ट पाया जाता है, वो आपको फिजिकली हार्म कर रहा, तो आप 30 दिन के अंदर उस प्रोडक्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 100% गारंटी होती है यहाँ पे, उस पर लिखा भी होता है। तो इस तरह से आप देखो कि बिजनेस के ये एस्पेक्ट है। अगर आपको ये समझ में आया हो या नहीं भी आया हो, तो कम से कम इतना तो आप खरीद सकते हैं कि अपने देश के लोगों में ये बात जगाइए कि हमारे देश से जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी उतनी ख़राब नहीं है या बहुत अच्छी है। हमारे देश के प्रोडक्ट को अगर आप क्वालिटी देखोगे, तो अभी आप कंपेरेटिव एनालिसिस करोगे, तो US की मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं और इंडिया के मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कंपेरेटिव एनालिसिस करोगे, तो बहुत अच्छी क्वालिटी दोनों में है। पर US के प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है इंडिया में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप MA के प्रोडक्ट्स देख लो, या फिर रिवाइटल वगैरह देख लो, प्रोटीन वगैरह ये देते हैं जो भी, या एनर्जी कैप्सूल देते हैं ये लोग, तो उनकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो बहुत महंगी है, जिसको एक आम आदमी खरीद नहीं पाता। पर यहाँ पे क्या है कि आपको 300 400 रुपये में 100 टेबलेट्स या फिर 90 टेबलेट्स मिल जा रही हैं, 4 5 रुपये के हिसाब से टेबलेट्स आपको मिल रही है, कि प्रोटीन की या फिर एनर्जी कैप्सूल्स की, जो आपको दिन भर के लिए रिजुवेंटेशन का काम करती है। तो इस तरह से आप देखो प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज आप अच्छे से पा सकते हो। वेबसाइट भी आपको वेस्टीज के नाम से मिल जाएगी, माई वेस्टीज के नाम से वेबसाइट। और अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए या फिर बिजनेस को ज्वाइन करना हो, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे दारबन गुरु जी, और फेसबुक पे JP शुक्ला की ID पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए इस विषय में, तो थैंक यू वेरी मच।